मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊँ, बड़े मज़े के, तुम्हें भी खाना तो बड़ा मज़ा आएगा। नहीं तो मैंने छुपाया हुआ पीछे, एक मिनट। हुई, ये क्या है? Boys and girls, क्या चाल है? This is your boy Musa Khanna and welcome back yet to another vlog. Boys and girls, आज का vlog थोड़ा है special क्योंकि आज मेरी और फिजा की एनिवर्सरी हो गई है, सालगिरह कह रहा हूँ, शादी की एनिवर्सरी हो गई है एक साल की, और मैंने कहा इसको थोड़ा सा स्पेशल करते हैं। ऑब्वियसली लास्ट ईयर हमारी इस टाइम पे शादी हो रही थी और अब हमारी के शादी को एक साल भी कम्प्लीट हो गया और हमारा बच्चा भी पैदा हो गया जो कि अभी अंदर ही घर पे है लेटा हुआ इस वक्त। सीन ये कि अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ के ज्वेलर्स पे, उसके लिए ना मैंने देखा था कुछ नेकलेसेस वगैरह ना, लेकिन फिजा को ये बात नहीं पता। फिजा के सामने ना मैं फुल रेडी होके खुशबू लगा के जूते पॉलिश करके जा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि मैं अपनी कोई एक्स के साथ डेट मारने जा रहा हूँ। मैंने भी फुल ये वाला इंप्रेशन दिया, तो बैरबर से बार बार पूछी थी किधर जा रहे हो किधर जा रहे हो, मैं कहा मैं नहीं बता सकता, मेरी डेट पे जा रहे हो मुझे पता है। अब मैं और बच्चा, यू नो डावरतों के डायलॉग होता है, मैं और मेरा बच्चा जिंदगी में अकेले रह गए हैं और ये वो फलाना, फौरन ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि उसको क्या पता मी द सुपर स्वीट लविंग हबी आई एम, उसके लिए मैं कोई नेकलेस वगैरह लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा नेकलेस जो होता है ना वो गिफ्ट सबसे अच्छा रहता है, पसंद भी होता है, बार बार पहनती भी है। वैसे मैं इस व्लॉग में ना पूरे मैं आपको शादी का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आफ्टर वन ईयर कैसा एक्सपीरियंस है, खैर दिन भी दिखाऊंगा कि हम क्या करेंगे, अभी मैं उसको गिफ्ट वगैरह दूंगा, उससे सरप्राइज जरा करते हैं। पहली बात तो ये है कि शादी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो अभी मैं उसके लिए लेने जा रहा हूँ ना, ये खुश तो बहुत होगी, मतलब फूले नहीं समाएगी खुशी से ना, अंदर अंदर से ये सब कुछ होगा। लेकिन ये बॉयज तुम लोग याद रखना जो शादी करने वाले हो, जिनकी हो गई है, जिनको होगी उनको तो पता होगा, ये कुछ पल की खुशी होती है। जितनी मर्जी चीजें दे दो लाइफ के अंदर ना, वो थोड़ी देर उनको हैप्पीनेस होती है, उसके बाद फौरन वो कहते हैं लो जी आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, आप तो हमारे लिए ये नहीं करते वो नहीं करते, फिर आपको कोई और चीज उनको देनी पड़ती है, फिर ये जाके दोबारा खुश होती है, फिर इनकी नाराजगी शुरू हो जाती है। तो इट्स एन साइकिल, ऊपर जाता है नीचे आता है। आई यूज टू थिंक यार ना मर्जी आदमी कर ले औरत खुश नहीं होती, लेकिन इन अ वे इसका एक मजा भी है, क्योंकि नेचर ही ऐसी होती है कि दे वरी अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ, यू नो दे डोंट वरी अबाउट मतलब कि तुमने पीछे क्या किया था, ठीक है ये औरतों की नेचर में नहीं होता। और दूसरा उनको ये भी नहीं होता, होता है कुछ को जिनको बहुत ज्यादा पता हो, लेकिन क्यों इनको तुम बहुत ही डिजाइनर चीज ला के दो, दे डोंट वरी अबाउट द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं फिजा को लैम्बोर्गिनी भी बैठाया, कॉर्वेट में भी बैठाया, दोनों गाड़ियां दिखाई, उससे मुझे पता है क्या, कॉर्वेट उसको ज्यादा अच्छी लगती है, कॉर्वेट उसको बाहर से भी ज्यादा प्यारी लगती है। अब लैम्बोर्गिनी उससे तीन गुना ज्यादा महंगी है कॉर्वेट से, चार, फिर भी उसको कॉर्वेट ज्यादा पसंद आई है। उनको होता है कि बस चीज जो अच्छी लगे, तो गिफ्टिंग का भी यही सीन होता है कि जो चीज अच्छी लगेगी ना उन्हें, जो प्यारी लगेगी महंगी लगेगी वो उनको पसंद आ जाएगी। खैर मैं सस्ती चीजें लेने वाला बंदा भी नहीं हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये नहीं कि यार मैं दुनिया की सबसे अच्छी को चीज दूंगा। इनफैक्ट लड़के रिलेशनशिप में गलतियां करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में उनको स्पॉइल करते रहोगे ना करते रहोगे कि यार आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें चीजें दे जा रहे हो, महंगी से महंगी चीजें दे जा रहे हो। फिर से आपने कोई अपनी पिक्चर आपने उसको फ्रेम करवा के उसे गिफ्ट कर दिया, वो उसके दिल में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी जब तुमने उसको गुची शनेल के बैग्स दे दिए। ठीक है, गिफ्टिंग देनी है ना और एक दूसरे को चीजें देनी है, तो वो ना लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ये नहीं कि इतने ऊपर लेवल पे ले गए उसके बाद तुम कह रहे हो ये ले लो तुम टॉफी। खैर मैं तो शादी की बात करना चाह रहा था कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल दिस ईयर हैज बिन द बेस्ट, लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि आपका पार्टनर कौन हो। हर रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन होते हैं और दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। आप कभी भी अपने परफेक्ट पार्टनर ढूंढ ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। मैं कहता हूँ जितनी मर्जी साइंस लड़ा लो, इन फैक्ट अगर कोई लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसे है ना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो जो बंदे ने ख्याली दुनिया बनाई होती है ना कि मैं इस तरह का पार्टनर ढूंढूंगा ये ढूंढूंगा वो, और औरतों के लिए भी यू कैन नेवर फाइंड दैट पर्सन। और अरेंज मैरिजेस भी जब होती थी ना तो यही होता था, अगर बंदा या बंदी आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं भी होते थे ना तो वो यूजुअली ओवर द इयर्स टेम हो जाते हैं कि यार हमने इसके साथ इस तरह रहना उस तरह रहना। फॉर एग्जांपल मैं फिजा के साथ जब पहले मिलता था तो मैं इतना ज्यादा नहीं घूमता था उसके साथ ना, हम हफ्ते में एक दो दफा मिलते थे, लेकिन जब मिलते थे वाज ऑलवेज अ गुड टाइम। जब शादी हुई तो उसने मुझे देखा कि यार ये तो मैं बैठ के काम ही करता रहता हूँ कंप्यूटर पे, कोई ना कोई चीज पे लगा होता हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, तो उसकी दुनिया उल्टी पुल्टी होगी। उसने कहा जब हम साथ घूमते थे तो यार इतना मजे का सीन होता था, हम इधर जाते थे उधर जाते थे, अब मैं इसके सामने बैठी हूँ घर में बैठी हूँ तो अपने कामों पर लगा हुआ। लेकिन वो चीज नहीं अकाउंट कर रही थी कि यार जब मैं उससे नहीं मिलता था तो मैं यही सारी चीजें कर रहा होता था। तो वो एक फिर आपको एक दूसरे के साथ लर्न करना होता है, सुनो साथ रह के कि किस तरह एक दूसरे का कंपैटिबल हो, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि यार शादी में यही होता है, एंड इट टेक्स वर्क। द थिंग इज दैट आपका जो लव है ना वो कम नहीं होता, इनफैक्ट शादी के बाद मैंने देखा है, मेरा पर्सनल है, किसी और का डिफरेंट हो सकता है, शादी के बाद आपका लव बढ़ता है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आप उनकी वो वाली चीजें देख रहे होते जो आप उनके साथ पहले नहीं देखते, बिकॉज यू आर लिविंग विद देम नाउ, यू नो इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू फाइंड देम ब्यूटीफुल,
not in their most perfect position. You find beauty when they're sleeping. You find beauty when they're like in the kitchen doing something. You find beauty when she's in a like nightgown. Usme hai. Tumhare mazak hote hain. Usme tumhe khoobsurati nazar aati hai. That's everything. And now baby Aizen hamari zindagi mein aaya. Aur zindagi aur khoobsurat ho gayi. Maine ek reel lagayi thi TikTok pe ke bacche karne chahiye aur jaldi karne chahiye. Ab us pe ladies ne bahut itraz kiya ki haan bhai pehle hame zindagi mein enjoy karne ka mauka nahi milta. Aur ab kehte ho ki foran bacche kar lo tum taki hum bhai bacche samalte hain mar jaye. Maine kaha tha main unke khilaf nahi bol raha. Wo ek alag baat hai. Ab apna time enjoy karke bacche karo. Mera point ye tha ki jo log is cheez ke against hain aur is agenda ko support karte hain anti kids agenda ko aur kehte hain ki bachchon se aage zindagi kharab hoti hai. Main uske khilaf bol raha tha lekin khair kya kar sakte hain. Not everybody is going to agree with you at the end of the day. Abhi hum ja rahe hain K Jewelers. Hopefully jo main necklace chah raha tha wo mujhe mil jaye ready made kyunki main online dekh raha tha pehle aur online mein masle hote ki orders ko time lagta hai ready hone mein. Maine kaha nahi maine aaj hi usko dena hai. Bhai jo marzi ho jaye to main ab ja ke ready made koi necklace dekh raha hu. Allah kare koi pyara sa mil jaye. Phir jab milega aapko dikhayenge aur phir you know surprise karenge. हम आगे हैं यहाँ पे ये आउटलेट है पूरा ग्रैंड परेरी आउटलेट ना सामने वहाँ पे दुकानें हैं काफी ज्यादा मुझे भी इतनी गर्मी में शादी करनी थी क्या करें गर्मी में ही तो गर्मी लगती है That didn't came out right. भाई हम आ गए हैं के ज्वेलर्स के आउटलेट पे तो चेक करते हैं अंदर जाके थैंक यू तो ये जैसे देख सकते हो दुकान के अंदर एंटर होते ही हमारे पास काफी ज्यादा नेकलेस के ऑप्शंस आ गए हैं काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे इनमें से कौन सी ऑप्शन हम चूज करेंगे अब बस मुझे किडनी ना बेचनी पड़े बाकी सब सही है नहीं काफी तो देंगे अच्छे अच्छे देखो ये क्रॉस वाला ना ले लूँ उसके लिए देखो दिल वाले हैं ये सारी चीजें हैं मैं किसी से बात करता हूँ यहाँ पे फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ क्या लिया मैंने is successful man lekin sir necklace nahi bhai ne bracelet bhi ek liya main kya karu yaar main banda hi itna acha hu but you know things you do for love pehle to main necklace bada dekh ke pasand kara na main topaz wala bada acha laga us pe kil ke diamond lage the fir maine kaha yaar wo ek bracelet mujhe nazar aaya bada acha to usne kaha ye bracelet acha hai achhi deal pe laga hua hai to dekh lo dukandar wale mere jaise ladkon ko pagal banate hain main aapko dikhata hu abhi na isne packing achhi ki hai to main bade dhyan se nikalunga sir ताकि इसी तरह वापस चला जाए तो एज यू कैन सी बोरी में रखी हुई छोटी सी तो आपको दिखाता हूँ मैं As you can see the bracelet. ये मुझे बड़ा पसंद आया था डायमंड आगे सारे लगे हुए हैं हल्के हल्के छोटे वाले और इसकी सबसे अच्छी बात है इस पे क्लैस्प लगा हुआ है तो उसको आप जितना मर्जी टाइट कर लो जितना मर्जी यूं करके ना लूज कर लो उसे और ये मैंने लेनी नहीं थी मैं वैसे ही मुझे नजर आई मैं कहा चलो यार अब एक या दो चीज़ें ले लेते हैं कोई मसला नहीं है क्योंकि अगेन बंदा ही मैं इतना अच्छा हूँ दूसरी चीज है ये प्यारा सा ये आप जैसे चेक कर सकते हो ये हमारे पास है नेकलेस तो ये नेकलेस मुझे बहुत प्यारा लगा था यार मैंने कहा था ये तो भाई ने लेना ही लेना है तो टोपेज लगा हुआ है साइड पे हल्के हल्के डायमंड लगे हुए ठीक है तो मुझे बहुत पसंद आया था मैंने कहा था भाई ये तो हम लेके रहेंगे और पहली एनिवर्सरी जिंदगी में कितनी दफा आती है ना वैसे तो हर एनिवर्सरी भी मजाक बन जाएगा देख लेना लेकिन कोई मसला नहीं यार बीवी के लिए अब इतना तो बेचारी अभी सीनियर के हमारा बच्चा भी पैदा हुआ है तो यू नो वी वर इन अ लॉट स्ट्रेस और स्पेशली हर लेकिन मैं जो मर्जी कर लूं एट द एंड ऑफ द डे लिटरली दो दिनों बाद या एक दिन बाद ना मैं फिर ये सुन रहा हूँ कि मैं इससे प्यार नहीं करता और बस मेरा प्यार खत्म हो गया और मैं दूसरी लड़कियों के साथ डेटे मार रहा हूँ इनफैक्ट अभी मैं इसको तंग भी करता हूँ उसे मैसेज करता हूँ कि मैंने डेट बहुत मजे की जा रही है ये देखो मैंने उसे ये मैसेज किया है डेट इज अमेजिंग इतनी तपी होगी ना इस वक्त ये लेकिन ये अच्छी बात है ना आप पहले बंदी को तपाओ फिर एकदम से खुशी दे दो देखो एक मैं तुम्हें लड़कियों का आयरन रूल बता दूं यू कैन डू एनीथिंग टू अ वुमन बट बोर हर ठीक है बोर नहीं करना इन्हें जितना तुम इनको गुस्सा चढ़ाओगे और जितना तुम इनको खुश रखोगे स्पेक्ट्रम जो होता है ना इनका हैप्पीनेस होती है सबसे ज्यादा फिर सैडनेस होती है सारे स्पेक्ट्रम के तुमने इमोशन दिखाने होते हैं ठीक है मैक्स पे ले जाओ सैडनेस मैक्स पे ले जाओ हैप्पीनेस मैक्स पे ले जाओ एंगर इमोशंस को इनके घुमाई जाओगे ना उंगलियों पर याद रखना इमोशन के स्पेक्ट्रम की गेम है सारी हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम घर वापस आ गया हूँ और फिज़ा भी यहीं पे है तो मैं इसको बता रहा था कि मेरा कितना ऑसम डेट एक्सपीरियंस रहा बड़ा मज़ा आया लिटिल एल में हम घूमे लेक में हमने चलाई कश्ती इतनी दूर क्यों खड़ी है तो बात तो सुनिए हंसी कैसे आ रही है तुम्हें क्या पता है के बच्चे तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने गया था कुछ तो करने गया था कुछ ना कुछ क्या होता सरप्राइज हो सकता है क्या सरप्राइज गेस करो क्या हो सकता है जी कोई आईडिया फ्लेक्स कर लो कोई तो आईडिया होगा क्या मैं तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कुछ तो सोचो जो भी मुझे चाहिए होता मैं इसको बता देती हूँ वही मिल जाता है अपने से कुछ लिया ही नहीं कभी क्या खुद लेके चल झूठी इतना तो मैं दिलाता हूँ खुद नहीं, अपनी नहीं, मर्जी से कुछ लेके देता हूं ऐसी मारी यू जी जो मुझे चाहिए होता वो और क्या चाहिए है वैसे कुछ चीज मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊं
बड़े मजे के, तुम्हें भी खाना तो बड़ा मजा आएगा। जूसी जूसी समोसे, आगे देखो जरा, समोसे आ रहे हैं। आगे देखो, पीछे नहीं देखना ना, पीछे नहीं देखना। देख तो नहीं पीछे, देख रही हो, मुझे पता था पहले। आगे देखो। हाँ नहीं तो मैंने छुपाया हुआ पीछे, एक मिनट। ये क्या है? ओह माय गॉड, दो दिन बाद भूल जाएगी। गिफ्ट रैप, देखते हैं पहले कौन सी अली चीज निकली है। हो सकता है ये बीफ समोसा हो। इसमें बीफ समोसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है इसमें? ओए डब्बे के अंदर डब्बा, चलो। ये क्या है? इसके साथ एक क्लैस्प है तो तुम इसको टाइट कर सकती हो। क्या हुआ? क्यूट। ओए नाइस। ये देखो अब चमचम आएगी लाइट के अंदर, अभी धूप वाली लाइट है ना, इसमें नहीं हो रहा। अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। अब तुम खुश हो गए फाइनली कि नहीं? चलो वो दूसरा वाला वापस कराते हैं। तो इसी में खुश हो जाती, लेकिन चलो मैं क्या, कोई नहीं, मैं बस वो था दुकान में, मैं दूसरी भी चीज नजर आ गया, ये भी पकड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये क्या हो सकता है? नेकलेस। हो सकता है चिकन समोसा हो। नहीं नहीं, नेकलेस ही है। किस तरह का नेकलेस? नाइस। ओए पहना दो। पहना देता हूं मेरे साथ मैचिंग कर रहा है। ओए मैचिंग भी कर रहा है। ओए होए 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 होए, ये माइक हटा लो यहां से, सारी लुक खराब कर रहा है। हमारा नेकलेस और ये आ गया है साथ में नील भी। नील वो पड़े हुए हॉस्पिटल के तुम्हें, लेकिन ये हमारा आ गया है प्यारा सा ब्रेसलेट। ओए होए 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 होए, थैंक यू। कोई मसला नहीं, मैं हूँ किस लिए? और आज तुम पे मेरे पे इतना शक क्यों कर रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या नहीं जा रहा? तो मेरे से तुम अच्छा प्यार होके, तो यही तो था बंदा जाते हैं, तो यही तो था मेरा सारा प्लान, तैयार होके खुशबू लगा के तुम्हारे सामने जाऊँ ताकि तुम्हें लगे मैं डेट पे जा रहा हूँ। लेकिन किसको क्या पता था कि मैं बेचारा भूखा मारा तुम्हारे लिए चीज लेने जा रहा हूँ। क्यूटी क्यों हो? आई डोंट नो। अगर थोड़ा क्रिंज अटैक हो रहा है ब्लॉग को यहीं पे रोक सकते, कोई मसला नहीं। ये होता है यार ये कपल्स में ना, ये जो अभी तो ये मैंने फिजा को गिफ्ट दिया है तो ये जरा इंजॉय करेगी गिफ्ट, मैं भी देखता हूँ उसे इंजॉय करता हूँ, मुझे मजा आता है, यू नो, देखेगी बार बार चेक करेगी दूसरी चीजों के साथ, सबको दिखाऊंगी, सबको दिखाएगी, ओ ये देखो क्या लिया है हम भी दे। असल में कल का दिन है 4th August जो है हमारा, लेकिन मैंने कहा एक दिन पहले दे देता हूँ गिफ्ट, तो 4th August को हमारी एनिवर्सरी, तो कल हम एक रेस्टोरेंट पे जाएंगे, फिर व्लॉग को वहां से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब जो कल वाला व्लॉग है वो इसी की कंटिन्यूएशन होगी, जहाँ पे हम एक बहुत अच्छे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे जाएंगे, वहां पे हम जाके फूड रिव्यू करेंगे, और ऑल्सो हम फिजा का भी पर्सपेक्टिव सुनेंगे मैरिज पे कि उसका साल ये पूरा कैसा रहा। यू नो मैंने तो कह दी कि मेरा बहुत बुरा लगा साथ ही बैठी हुई, मैंने तो कह दी कि मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसका भी सुनेंगे ना कि वो क्या कहना चाह रही है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। तो अगर आपने पार्ट 2 के लिए ट्यून इन करना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन कल के व्लॉग की आ जाए। आई विल सी यू गाइस इन टुमारोज़ वीडियो इंशाल्लाह।